महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जो किसी न किसी भयंकर श्राप से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक कथा है द्रौपदी के उस श्राप से जुड़ी जो उन्होंने कुत्तों को दिया था। आइए जानते हैं कि द्रौपदी का दिया कौन सा श्राप आज भी भोग रहे हैं कुत्ते। पांचाल राज्य के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर अपनी राजधानी कांपिल्य में रखा था। शर्त थी कि जो भी व्यक्ति पानी में छवि देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख पर निशाना लगाएगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में तमाम राजा पहुंचे, हिस्सा लिया और असफल हुए। आखिर में ब्राह्मण वेश में पांचों भाइयों संग पहुंचे अर्जुन ने यह कारनामा कर दिया। द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। द्रौपदी को लेकर अर्जुन पहुंचे माता कुंती के पास और कहा कि भिक्षा लेकर आया हूं। कुंती ने यह जाने बिना कि भिक्षा क्या है अर्जुन से कहा कि उसे पांचों भाइयों में बांट लो। इस तरह से द्रौपदी पांचों भाइयों की हो गईं। जब द्रौपदी को अपने बंट जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त थी कि एक बार में वह एक ही भाई के साथ रहेंगी, तब पांडवों में से दूसरा कोई उनके कक्ष में नहीं आ सकता। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे एक साल का वनवास झेलना पड़ेगा। सभी ने इस शर्त को मान लिया। तय किया गया कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा वह अपनी पादुका यानी अपना जूता कक्ष के बाहर छोड़ देगा। इससे सभी को अंदाजा हो जाएगा कि कोई दूसरा भाई द्रौपदी के साथ है। एक बार द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे, लेकिन तभी कक्ष में अर्जुन भी पहुंच गए। उन्होंने दोनों को साथ देख लिया। इससे द्रौपदी और युधिष्ठिर तो लज्जित हुए ही, अर्जुन भी शर्मसार हो गए। लज्जित द्रौपदी को अर्जुन पर खूब गुस्सा आया। उन्होंने बेहद गुस्से में अर्जुन से पूछा कि क्या उन्हें बाहर पादुका नहीं दिखी। इस पर सिर नीचे किए अर्जुन ने कहा, नहीं। इसके बाद अर्जुन और भीम उस पादुका की खोज में निकल पड़े। एक जंगल में उन्हें कुछ कुत्ते युधिष्ठिर की पादुका से खेलते दिखे। जब उन्होंने आकर पूरा माजरा द्रौपदी को कह सुनाया तो गुस्से से तमतमाई द्रौपदी ने कुत्तों की समूचित प्रजाति को श्राप दे दिया। समूचित प्रजाति को श्राप देने की वजह यह थी कि किस कुत्ते ने युधिष्ठिर की पादुका चुराई यह तय नहीं किया जा सकता था। द्रौपदी ने श्राप दिया कि एक कुत्ते की वजह से उन्हें लज्जित होना पड़ा है। जैसे उनके निजी क्षणों को किसी और ने देखा, वैसे ही कुत्तों की पूरी प्रजाति अब लज्जित होगी। वे सभी के सामने सहवास करेंगे और हंसी का पात्र बनेंगे। द्रौपदी इस स्थिति में केवल इसी वजह से पहुंची थीं, क्योंकि उनके पांच पति थे। अगर उनका विवाह केवल एक के साथ होता तो शायद इस तरह की स्थिति न आती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों द्रौपदी के पांच पति हुए, वह भी तब जबकि महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं थीं। वह तो यज्ञ से जन्मी थीं। उन्हें मां काली का अवतार माना जाता था। इसका उत्तर भी महाभारत की ही एक कहानी से मिलता है। द्रौपदी ने योग्य वर की लालसा में महादेव की साधना की थी। महादेव प्रसन्न हुए तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि मैं अपने लिए योग्य वर चाहती हूं। महादेव ने पूछा, तुम्हारे मुताबिक योग्य वर में क्या गुण होने चाहिए? द्रौपदी ने अपने पति में पांच गुण चाहे। उन्होंने कहा, मेरा पति धर्म का प्रतीक हो, उसमें हनुमान जैसी शक्ति हो, वह परशुराम जैसा धनुर्धर हो, ऐसी सुंदरता हो कि समय भी उसके लिए ठहर जाए और उसमें अतुलनीय सहन शक्ति हो। महादेव ने द्रौपदी की इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। हालांकि ऐसे गुण एक ही व्यक्ति में मिलना बेहद मुश्किल या कहें कि नामुमकिन है, लिहाजा द्रौपदी स्वयंवर में भले ही अर्जुन द्वारा जीती गईं, लेकिन उन्हें पांचों भाइयों के साथ रहना पड़ा क्योंकि वे इन्हीं गुणों के प्रतीक थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, भीम महाबली, अर्जुन धनुर्धर, नकुल बेहद सुंदर और सहदेव में सहन शक्ति अतुलनीय थी। द्रौपदी का वरदान ही उनके लिए अभिशाप बन गया। द्रौपदी के लिए यह गर्व भी था कि उनकी मनोकामना के सभी गुण उनके पतियों में थे, लेकिन यह दुर्भाग्य भी था कि वे गुण एक में नहीं बल्कि पांच अलग लोगों में थे। द्रौपदी को जब पांचों भाइयों में बांटे जाने की बात पता चली तो उन्हें भी अपने वरदान का एहसास हुआ, लिहाजा उन्होंने इसे अपने ही तप का फल मानकर स्वीकार कर लिया। हालांकि स्त्री लज्जा की खातिर उन्होंने एक वक्त में एक पति के ही साथ रहने का नियम बनाया था।